हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने जा रही हूँ दम आलू। इसके लिए मैंने यहाँ पर आलू लिए हैं जो मैंने पील कर लिए हैं, ये कच्चे आलू हैं। और यहाँ लिए मैंने फैटी हुई दही आधी कटोरी, बेसन आधी कटोरी, खड़े मसाले, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, दालचीनी। और लिए है यहाँ पर सौंफ एक चम्मच, एक चम्मच कसूरी मेथी, लाल मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा और नमक। और लिए मैंने ग्राइंड करने के लिए इसमें 3 टमाटर लिए हैं। और लिया मैंने अदरक और 2 हरी मिर्च जो मैं एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। अब इन आलुओं को मैं कट कर लेती हूँ कुछ ऐसे। हम इन्हें फ्राई करेंगे, उसके लिए मैंने पहले ही कढ़ाई चढ़ा दी है। जब तेल गरम हो जाए तो हम इसमें अपने आलू डालेंगे। आप बॉयल आलू भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं इसमें फ्राई करके आलू यूज़ करूँगी। इससे दम आलू की सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। चलाएंगे इन्हें, हाई टू मीडियम पर हम इसे फ्राई करेंगे। हम दम आलू को रोटी के साथ, पूरी के साथ, राइस के साथ, नान के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। ये बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में सब्जी। इतने आलू फ्राई करने में मुझे 3 से 4 मिनट लग गए। अब हम इन्हें जब ये देखिए हल्का सा गोल्डन कलर इसमें आने लगे, बहुत ही लाइट सा, ये पक गए होंगे आलू अंदर से। अब इन्हें किचन टॉवल पे हम निकाल लेंगे। हम ऐसे आलू की फ्राई करके चाट बना के भी खा सकते हैं, वो मैं किसी और रेसिपी में आपको बताऊंगी। हम इसी प्रकार सारे निकाल लेंगे किचन टॉवल पे। देखिए कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब उसी कढ़ाई में 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालूंगी मैं। छोटी चम्मच कुकिंग ऑयल डाला है मैंने। इसमें ऐड करेंगे हम जीरा। जीरा लाइट ब्राउन हो जाएगा तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। अब इसमें हम अपने सारे खड़े मसाले डाल देंगे। थर्टी सेकेंड्स के लिए इन्हें फ्राई करके इनमें और मसाले ऐड करेंगे। ये मेरे खड़े मसाले फ्राई हो चुके हैं। इसमें मैं टमाटो प्यूरी डाल दूंगी जिसमें मैंने हरी मिर्च और अदरक ग्राइंड किया हुआ है। यहाँ मैंने 3 मीडियम साइज के टमाटो लिए हैं। एक मिनट बाद मैं इसमें डालूंगी 1/2 टेबल स्पून धनिया, 1/4 स्पून हल्दी और एज पर टेस्ट रेड चिली, और इसे चलाएंगे अच्छे से। खड़े मसालों का सारा एरोमा मेरी ग्रेवी में आ चुका है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून सौंफ,
अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा मसालों ने घी छोड़ दिया है। अब इसमें हम डालेंगे बेसन। मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है और इसे अच्छे से ग्रेवी में भूनेंगे। अच्छे से चला के भूनेंगे इन्हें। देखिए ये कढ़ाई से हट गया। भुनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूंगी दही। ये फ्रेश दही है। अब इसे चलाऊंगी। अच्छे से चलाने पर जब तक ये घी नहीं छोड़ देता तब तक हमें मसाला भूनना है। अगर आप मेरी तरीके से बनाएंगे तो बहुत टेस्टी सब्जी बनेगी। देखिए मेरे मसाले ने घी छोड़ दिया है। कढ़ाई से हटने लगा है ये। अब इसमें हाथों से क्रश करके कसूरी मेथी ऐड करूंगी। इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इसमें डालेंगे हम सॉल्ट। 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट लिया है, आप एज पर टेस्ट डालिए। ऐसे चलाएंगे। देखिए मेरी ग्रेवी बिल्कुल भुन चुकी है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। देखने में भी बहुत अच्छी लग रही है। अब इसमें डालेंगे हम अपने आलू जो हमने फ्राई कर लिए थे पहले ही। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच किचन किंग मसाला और मिक्स करेंगे। इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर हो जाएगा सब्जी का। देखने में बहुत टेस्टी लग रही है, खाने में भी उतनी ही अच्छी होगी। पानी ऐड करेंगे इसमें। मैंने 1.5 कप पानी ऐड करा है इसमें। आप एज पर नीड इसमें पानी ऐड कीजिएगा, क्योंकि आलू पानी को थोड़ा सॉक करते हैं, तो इसमें आप 2 कप पानी भी ऐड कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप ग्रेवी कैसी रखना चाहते हैं। बस फ्रेंड अब मैं इसे 3 से 4 मिनट तक ढककर पकाऊंगी। तीन से 4 मिनट हो चुकी हैं और मेरी सब्जी बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साइड में जो बेल आइकॉन है उसे दबाइए, जिससे मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशंस डायरेक्ट आपको मिलते रहेंगे। मेरी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी अपने इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए हैं। ये बहुत टेस्टी सब्जी बनी है, खाने में भी बहुत अच्छी होगी। फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग।
बाय बाय। देखिए कुछ ऐसी लग रही है।